हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार का अहम महत्व है। ये पर्व भाई बहन के प्यार को समर्पित है और हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है, साथ ही भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करती है। वही भाई बदले में अपनी बहन की हमेशा रक्षा करने और हर मुसीबत में उनका साथ निभाने का वचन देते हैं। इस साल रक्षाबंधन का पर्व सोमवार 19 अगस्त को यानी आज मनाया जाएगा, क्योंकि भद्राकाल में राखी नहीं बांधी जाती और रविवार यानी 18 अगस्त की रात 2:21 से लेकर सोमवार 19 अगस्त यानी आज की दोपहर में 1:24 तक भद्रा रहेगी। इसलिए ऐसे में हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आज दोपहर 1:30 से लेकर रात 9:07 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती है। रक्षाबंधन को लेकर कई अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं, हालांकि इनमें भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी और रानी कर्णावती सम्राट हुमायूं की कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी, जिसे देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान की चोट पर बांधा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा द्रौपदी की रक्षा करने का वादा किया था। वही जब द्रौपदी को हस्तिनापुर के शाही दरबार में सार्वजनिक अपमानित किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने अपना ये वादा पूरा किया था। वहीं इससे अलग रानी कर्णावती की कहानी को लेकर कहा जाता है, मध्यकालीन युग में राजपूत और मुस्लिम के बीच तनाव चल रहा था। उस वक्त रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने छोड़ दिया था। तब अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था। द नगरी मीडिया की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया।